नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले में संघ के दोनों नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का कहना है कि सुरेश सोनी और सुदर्शन का घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इन नेताओं का नाम किसी और ने नहीं, घोटाले के एक आरोपी मेहर ने लिया था। MP पुलिस ने जिस आनन फानन में नेताओं को क्लीन चिट दी, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा घोटाला, घोटाले पर बड़ा खुलासा, संघ नेताओं पर लगे आरोप, पुलिस ने तुरंत दी क्लीन चिट। व्यापम घोटाले पर खुलासे से साफ है कि मामला कितना व्यापक है, घोटाले के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। लेकिन इस मामले में जिस तेजी से संघ नेताओं का नाम सामने आया, उससे भी ज्यादा तेजी से MP पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, व्यापम घोटाले से जो खबरें संघ नेताओं को लेकर मीडिया में आ रही हैं, वो भ्रामक हैं। मीडिया में सुरेश सोनी और सुदर्शन पर कथित तौर पर सिफारिश करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में जांच के लिए उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जाहिर है जिस आनन फानन में पुलिस ने संघ नेताओं को क्लीन चिट पकड़ा दी है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज तक के पास वो दस्तावेज है जिसमें व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और घोटाले का मुख्य आरोपी पंकज त्रिवेदी ने खुलासा किया है। पंकज त्रिवेदी ने जांच करने वाले STF को बताया था। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार मिहिर सेन की सिफारिश की थी, जिनका रोल नंबर 7,02,735 था। उन्होंने बताया था कि मिहिर RSS नेता सुरेश सोनी के आदमी हैं। उन्होंने राजकुमार धाकड़, नरेश चंद सागर, सुनील कुमार साहू और अवधेश भार्गव की भी सिफारिश की थी। वर्मा के OSD ने मुझसे कहा था कि पांचों उम्मीदवार काफी महत्वपूर्ण है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि घोटाले का मुख्य आरोपी कोई बयान दे जो STF की पूछताछ के दस्तावेज में शामिल हो और उसके बारे में उसी राज्य की पुलिस को ना पता हो। खैर, इस बीच घोटाले में नाम उछलने के बाद संघ नेता सुरेश सोनी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी, मीडिया को कटघरे में खड़ा किया और पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। प्रश्न एक ही उठता है कि 6 महीने पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। सत्य क्या है यह अदालत को तय करने दे। उधर कांग्रेस ने पुलिस के क्लीन चिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारतीय जनता पार्टी की जननी है। उनके जो प्रचारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर पदाधिकारी रहते हैं, तो इसलिए ये जो रिश्ता है, ये जो तो रिश्ता सार्वजनिक है और जग जाहिर है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कथाकथित तौर पर नाम सार्वजनिक हो रहे हैं, इसकी एक बहुत ही गंभीर जांच होनी चाहिए। या वो CBI से हो सकती है अदालत के निरीक्षण में, या अदालत को SIT बनानी चाहिए जिससे कि इसके ऊपर कोई दबाव ना आ सके। व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार फंसती जा रही है। इसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत जेल जा चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों का नाम उछल चुका है, और अब संघ नेताओं का नाम आने से BJP और RSS दोनों की परेशानी एक साथ बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो।